बीडीसी पद के लिए बाड़ी फरनौल से चमनलाल ने बीडीओ कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। चमनलाल ने नामांकन भरने के बाद कहा कि इससे पहले भी पत्नी बीडीसी के पद पर रह चुकी हैं और इलाके का विकास करवाया है और मैंने खुद भी बीडीसी के पद पर रहकर लोगों की सेवा की है। इस बार तीसरी बार बीडीसी पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि जनता का सहयोग इस बार भी मिलेगा। पंचायत समिति के लिए खड़ा हुआ हूँ, आज मैं अपना नाम भरना जा रहा हूँ, भरा है। अब पहले भी बीडीसी रह चुके हैं, एक बार मैं रहा बीडीसी, दूसरी बार मेरी मैडम, 10 साल बीडीसी किए मैंने, तीसरी बार अभी बीडीसी लेके नामांकन पत्र भरा है। और मेरी यही समस्या, यही समाधान रहेगा कि लोगों की सेवा करूँगा, नालियाँ, सड़कें। बिंदु ये है कि मैं जयराम ठाकुर जी से भी ये बात करूँगा कि बीडीसी के लिए जो है अलग से फंड दिया जाए, क्योंकि जो बीडीसी मेंबर हैं वह अपना अलग विकास करा सकें। इसमें आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? इसमें छोटे छोटे पुल डाले हैं, पुलियाँ डाली हैं, रास्ते बनाए हैं, बॉडियों के लिए छतें डाली हैं, सोलर लाइटें लगाई हैं। चलिए, जो मेरे अधूरे काम बचे हैं, सड़कें, सोलर लाइटें, बॉडियों ठीक कराना, रास्ते पक्के करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी।